ताकि मेरा थोपड़ा ढंग सा है। आज आई एम गोइंग टू द शिट आउट ऑफ माय स्टमक। तो आज मैं पूरा मुंबई घूमूंगा एंड पर्पसली जानबूझ के कचरे से कचरे रेस्टोरेंट्स ट्राई करूंगा ताकि मैं अपना प्रोपोगेंडा प्रमोट कर सकूं। सिर्फ ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स जहाँ एकदम बकवास खाना मिलता है। सो बेसिकली एवरेज मुंबई रेस्टोरेंट, ये मैं एक साल पहले कहता। Now I am a changed man. अब मैं बदल चुका हूँ। अब I know मुंबई में बढ़िया से बढ़िया खाना कहाँ मिलता है। बट आज हम वो नहीं खाएंगे, आज हम शैतान की गू खाएंगे। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 11 एंड जैसा कि तुम देख सकते हो मैं अतल सेतु पर हूँ। मैं नवी मुंबई से आ रहा हूँ। भाई लोग मुझे इस पर डेडिकेटेड ब्लॉग बनाने को कह रहे थे। लिटरली सिर्फ सड़क है, क्या देख रहे हो तुम्हें? मुंबई का स्टैंडर्ड अभी इस टाइम इतना नीचे है कि बिना खुदी हुई सड़क टूरिस्ट अट्रैक्शन। इफ एनीथिंग भाई इसको भी खोद दो। भाई उन छोटे छोटे गड्ढों में ही तो मजा है। लाइक इसमें शुरू के 2 मिनट मस्त प्राउड इंडियन, बट उसके बाद भाई हम काइंड ऑफ बोर्ड। लिटरली सिर्फ प्लेन सड़क है। भाई कुछ ज्यादा ही हाइप कर दिया इस चीज को। मुंबई इन जनरल अंडररेटेड ही ठीक था, मुंबई को मेन स्ट्रीम करा के ही गलती कर दी। आई मिस 1980s मुंबई ब्रो, जब मैं पीसफुली बाहर वॉक कर सकता था। अब भिवांडी पसंद है मुझे। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर भिवांडी। ओके फाइनली आ गया। आई थिंक मुझे कैमरास बंद करने होंगे वरना मुझे बंद कर देंगे। सो या मुंबई पहुंच के स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट। Back in Mumbai, भाई पहला स्पॉट है चौपाटी वाला न्यूयॉर्कर। The refried beans and the nachos and the enchiladas and the green jalapeno sauce caused severe food poisoning for us for 2 days. Please ensure that your food is fresh and properly cooked. Got the worst food poisoning, overpriced and overrated. Let me tell you a story. Once upon a time on a close after closing hour, a rat managed to sneak into the restaurant. Little did the rat know that it would be his or her last adventure in Mumbai, as it ran into a huge pot of oil, which it fell into and passed on to his or her next life. I don't like where this is going. While the story ends there for the rat, it has just begun for the patrons on Sunday. The restaurant for fun brunch, not being able to find the kind of oil they want, the restaurant decided to just go ahead and cook the food in the rat. भाई यार मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं चाहिए, मैं 2-3 दिन तक बेड से नहीं उठ पाऊंगा। भाई ऐसी है ना, सिमिलर चीज है ना, मेरे को याद है जयपुर में भी हो रखी है। जयपुर में एक बहुत बहुत फेमस रेस्टोरेंट है MM खान नाम से। अगर तुम जयपुर में रहते हो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है। मुझे याद है उसमें 120 रुपए की कोरमे की प्लेट मिलती थी, जिसको मैं और मेरे दोस्त 40-40 रुपए दे के स्प्लिट करते थे। एकदम मजेदार एलिट मुगलाई फूड। एक दिन उनके कोरमे से छुपकली निकल गई। भाई यहाँ पिज्जा पर एक बाल भी निकल जाता है ना, लोग फोन से रिकॉर्ड करना चालू कर देते हैं एज प्रूफ। आई थिंक मैंने लिए कोई रेस्टोरेंट का एक रील देखा था जिसमें छोटे-छोटे कॉकरोच निकल गए थे। मेरा 1, 2, 3 ये चौथा इन्होंने निकाला है अपने हाथ में। 5, 6, 7 निशानी अंदर और है यार। I have taken a few bites of this. कॉकरोच है इतने सारे। ओके ये ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम था, बट यू गेट द पॉइंट। अगर तुम्हारे खाने में कोई छोटा मोटा इत्तू सा कीड़ा भी निकल जाता है ना, समझ जाओ रेस्टोरेंट के लग गए। बट MM खान इज बिल्ट डिफरेंट। भाई उनकी डिश में कोई छोटी मोटी मरी हुई छुपकली की पूंछ नहीं निकली, उनकी डिश में निकला सीधा मोटा सांड, चर्बी का छुपकला। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके बाद वो और फेमस हो गए, उनका कस्टमर बेस इंक्रीज हो गया। देयर कस्टमर्स आर लाइक वी सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, नो वन गेव अ फक अबाउट छुपकली। ओके वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड मरीन लाइंस। अब बस पार्किंग ढूंढ, बस तो गलत ही कह रहा हूँ, दैट्स द मेन मिशन। मेरी भकलंड स्कूटी 3 बार उठने के बाद मैं एक चीज रियलाइज कर चुका हूँ कि पूरा मुंबई नो पार्किंग है एक्सेप्ट BMC पे एंड पार्क। प्राइवेट पार्किंग को तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। एक रशियन घंटे का कम चार्ज करती है यहाँ प्राइवेट पार्किंग से। थैंक द लॉर्ड अब मुझे पार्किंग मिल गई। ओके फर्स्ट स्टॉप, लेट्स सी व्हाट इज न्यूयॉर्कर कुकिंग। कर पैक करना है। थैंक यू। भाई मैंने इस रेस्टोरेंट में GoPro लेके घुस के सबसे बड़ी गलती कर दी। पूरा स्टाफ मेरे को कॉन्स्टेंटली ऐसे घूर रहा था जैसे इन्विजिलेटर एग्जाम में साइड आई से बैक बेंचरों की आंसर शीट पे नहीं घूरते, एकदम वैसे भाई। एंड आई वाजंट इवन रिकॉर्डिंग, सिर्फ ऐसे लेके घूम रहा था भाई, पावर बैंक पे चार्ज हो रहा है। सो दिस इज द फूड भाई। एक तो मेरे पास दस्तरखान ही नहीं है, मैं खाऊंगा कैसे? बाय द वे अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो डिश पे डिपेंड करता है, गलत। मैं अपना एतबार ब्रांड के ऊपर डाल रहा हूँ कि जनाब आप मुझे बताएं आपकी सबसे बेहतरीन एंड स्वादिष्ट डिश। सो दे गिव मी देयर स्पेशल न्यूयॉर्कर बर्गर। दिस इज प्योर वेजिटेरियन बाय द वे। क्रिस्पी चिकपी एंड किनोआ पैटी, व्हाइट चेडर चीज, लेटस, अनियन, रेड एंड ग्रीन हैलापिनो, डिजोन ओके आई एम कटिंग अ पॉइंट जस्ट बिकॉज आई कांट प्रोनाउंस दिस। सर्व्ड विद क्रिस्पी फ्राइज। ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पैटी जो छोले की पैटी है मजेदार है, बट द बन इज सो बैड भाई। ये सेम इशू है ना मुंबई के काफी बर्गर्स में होता है। इवन जिमी जो यहाँ का सबसे फेमस बर्गर रेस्टोरेंट है उसके बन में कुत्ते कुछ खास नहीं लगे थे। एंड आई थिंक आई नो द रीजन। ये लोग क्या करते हैं, ये तेल में पैटी सेकेंगे और पैसे बचाने के लिए उसी तेल में बम डाल देंगे। बम बन 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 वाई डज माई माइंड। और फिर इनका बन आता है ऐसा भक्का पसीने में सना हुआ। ये तो फिर भी इतना ग्रीसी नहीं है बट इट्स सो टेस्टलेस। दिस इज क्रिस्पी फ्राइज बाय द वे। इससे ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़ बिना तेल के। ऑलराइट न्यूयॉर्क बर्गर पैटी आई एम गोइंग टू गिव अ स्ट्रॉन्ग 8 out of 10 एंड बन को मैं दूंगा 2 out of 10। यू सी लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट थिंग्स। लुक एट द ब्राइट साइड। दोनों को मिला दो एंड 10 हो गए। गुड जॉब न्यूयॉर्कर्स। ओके नेक्स्ट स्पॉट इज कियानी ईरानी कैफे। भाई हम ग्लैड में सबसे पहले साउथ मुंबई आ गया, सारा का सारा कचरा यही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट फूड बाय द वे। आई नो साउथ मुंबई में ढेरों एस्थेटिक ब्रिटिश बिल्डिंग्स हैं जो कि सारी मुंबई की फोटोज में आती हैं। भाई है भी बिल्कुल ब्रिटेन की तरफ। प्यारा आर्किटेक्चर, लेटरीन खाना। मुंबई का सबसे फ्लेवरलेस खाना सोबो में ही है। सारे टूरिस्टी कैफेज, कैफे लियोपोल्ड, कैफे मोंडेगर, सब बकवास हैं। 600 रुपए की सलाद, 2.5 रुपए का फ्लेवर। मैं सब की लूंगा आज, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सारे के सारे कैफे संडास है। इवन बांद्रा इज ओवर प्राइस बट एटलीस्ट बांद्रा में ढंग का खाना तो मिल जाता है। साउथ मुंबई में ये सारे ईरानी कैफे सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे चल रहे हैं। यहाँ पर कोई एक्चुअल मुंबई के लोग खाते भी नहीं है, सारे फॉरेनर्स और विजिटर्स है। और स्पेशली लियोपोल्ड, उसके विजिटर्स तो सीधा पाकिस्तान से आए थे। Alright, we have reached। देखते हैं reviews क्या कह रहे हैं इसके। I won't go here unless I specifically enjoyed servers micromanaging their customers and making sure they left in the worst possible mood. Rude staff asked us to vacate the seats twice while we were still having the meal. Okay, सब एक ही चीज बोल रहे हैं। I went here for the first time and had a horrible experience. The waiters are very rude. But भाई गांडू सर्विस ही तो होता है ईरानी कैफेज का टॉप एक्सपीरियंस। भाई यू नो व्हाट? Okay, मैं ज्यादा assumptions नहीं लगाऊंगा। Let's actually see what it is. चिकन सैंडविच कर दो और एक स्मॉल ईरानी चाय कर दो। ओके यू नो व्हाट, दिस माइट बी इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटर्स बिल्कुल भी रूड नहीं था एंड ये एक्चुअली काफ़ी चीप था। आई थिंक आई गॉट अ सैंडविच 80 रुपये, एक चिकन पफ 40 रुपए एंड ऑब्वियसली इनकी फेमस ईरानी चाय। अब देखो सबको पता है कि बेस्ट चाय इज नागौरी चाय। क्या फर्क है दोनों में मुझे बिल्कुल नहीं पता बट मुझे इतना पता है कि नागौरी चाय राजस्थान से, सो मैं क्लेम कर रहा हूँ। अब ये चाय तो अब नॉट गोइंग टू लाई, सारी सेम ही टेस्ट करती है, बस स्मेल का फर्क होता है। लेट्स सी व्हाट इज द सैंडविच सेइंग। बाय द वे ये एक बेकरी है तो इसमें कोई भी चीज फ्रेश नहीं है, ये सिर्फ रीहीट करके दे देते हैं। इट लुक्स ड्राई एज फक। मैं मुझे सॉस के साथ खाना चाहिए। आई रियली डोंट वांट टू हेट दिस रेस्टोरेंट। मैं बता रहा हूँ भाई इन स्लट्स को सॉस में डिप करूंगा ना ऑर्गेजम। भाई प्लीज बी गुड यार। भाई इतना सूखा सैंडविच कैसे हो सकता है, तो निकला ही नहीं जा रहा। Fuck, I wanted to like this, भाई मुझे because मैं इतनी घटिया expectations के साथ गया था ये सोच के कि they are going to treat me like shit, but नहीं, उन्होंने सही से ऑर्डर लिया। हाँ उनके यहाँ सिर्फ कैश चलता है बिकॉज ऑब्वियसली इनको ब्लैक मनी, आई मीन पुराना कैफे है तो नॉस्टैल्जिया के लिए ऑब्वियसली कैश चलता है। बट आई वॉन्टेड टू लाइक दिस ब्रो प्लीज, ये एटलीस्ट ये तो गुड हो। हाउ डू यू मेक अ पैटीज मिड भाई? एटलीस्ट सैंडविच से तो बढ़िया, एटलीस्ट निगली तो जा रही है, एटलीस्ट एडेबल तो है। पैटीज लिटरली फैट में तली जाती है इसको। हाउ कैन यू मेक दिस मिड भाई? आई रिफ्यूज टू बिलीव मुंबई के लोगों की टेस्ट बड्स है। ये मैंने मुंह में निगल के अपनी पूरी स्लॉपी ब्लो जॉब देके उल्टी कर दी, तब भी ये भक्का माथर सूख रहा है। ये आखिरी एक साल में जो जो बढ़िया खाना खाया था ना मैंने मुंबई में, आज एक दिन में सब अंडू हो गया। ओके सो नेक्स्ट स्पॉट हमारा पवाई है, जो कि यहाँ से काफी दूर है। तो उससे पहले हम बात करेंगे यू एंड मी, मैन टू मैन। मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्यों कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ रिसेंटली। ये सब लड़कियों की वजह से है। मेरे और यूट्यूब के बीच में एक दरार आ चुकी है, जो कि है औरतवासी। तो अगर तुमने मेरा लास्ट कार वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने कहा था कि आई हैव बीन गोइंग ऑन अ लॉट ऑफ डेट्स। अब मैं नहीं कर रही है, खत्म अब सब। आई एम डन, आई एम रिटायरिंग फॉर नाउ। मैं आज अपने इंस्टाग्राम से जिस लड़की को मैंने अनहोली रीजंस के लिए फॉलो किया था, उन सबको मैं आज अनफॉलो करूँगा। यू आर टू हॉट, तू मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तू निकल आउट। पुराना इसने तो मेरे टेक्स्ट पर हार्ट इमोजी डाल के एयर कर दिया था। आउट इसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। व्हाई डू आई इवन नो दिस इन्फॉर्मेशन? ये तो प्रेगनेंट ही हो गई, सो इसके साथ तो कोई चांस नहीं है मेरा। व्हाट इफ द बेबी डजंट मेक इट दो? No, अनफॉलो। ओके, मैं पहले फॉलो कर रहा था 145 लोगों को, अब मैं फॉलो कर रहा हूँ 133 लोगों को। ये नंबर याद रखना, अगर ये नंबर एक भी बढ़ा ना तो समझ जाना मैं अपने लक्ष्य से भटक चुका हूँ, समझ जाना मैं अपना मकसद भूल चुका हूँ। मतलब ये 133 लोग जिनको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, इनको इधर मैं स्कूल से जानता हूँ या इनका मुझे काम पसंद है। अब मैं जिन जिन लड़कियों को फॉलो करता हूँ वो सब मेरी बहनें हैं। इनमें से कुछ बहनें हैं जिनको आई स्टिल होल्ड ना, बट फॉर रियल ये या तो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं या जिनका आई जेन्युइनली लाइक देयर वर्क। आई मीन आई स्टिल वुड दो, बट भाई आई वुड इज द सेकेंडरी रीजन। कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मेरा अनहोली इंटेंशंस है। आई स्टिल वुड दो सम ऑफ देम, बट लाइक बट द आई वुड इज द सेकेंडरी रीजन। मेन रीजन इज आई लाइक देयर वर्क। मेन रीजन इज दिस इज डूइंग द हैवी लिफ्टिंग। आई वुड दिस इज द स्मॉल रीजन। अगर कयामत का दिन आया और गॉड ने मेरे ऊपर सब कुछ डाल दिया कि तुम्हें इसके साथ करना पड़ेगा दुनिया को बचाने के लिए, आई वुड, देन आई वुड, बट आई स्टिल। तुम सब अभी अपना इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज खोलो, उसमें दो चीजें होंगी, लड़कियां और अर्पित बाला। अगर तुम्हारे एक्सप्लोर पेज पे 2 से 3 लड़कियां, दैट्स नॉर्मल। अगर तुम्हारे एक्सप्लोर पेज में 2 से कम लड़कियां हैं, यू आर नॉट स्ट्रेट। आई एम सॉरी टू टेल यू, यू आर नॉट स्ट्रेट, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड, नो। बट अगर ये नंबर 4 से ऊपर चला गया तो तुम भी मेरी तरह अपने लक्ष्य से भटक चुके हो, तो तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम ऑलरेडी अपना गोल कब का भूल चुके हो। अगर 6 से ज्यादा है देन यू आर अ लॉस्ट कॉज, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू हैव गॉन ऑफ द डीप एंड। मेरे एक्सप्लोर पेज में है 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई सारी लड़कियां ही हैं और एक कान्ये वेस्ट है। ना भाई, मैं वापस इस बात पे नहीं जा सकता। ओके, वी आर बैक 133। भाई जैसे ये एक नंबर भी बढ़ता है ना, मेरे कमेंट्स में स्पैम कर देना कि जैद भाई आप भटक रहे हो वापस, एंड देन मैं उसी दिन एलिमिनेट कर दूंगा। I am on the way to Hawaii। अभी pretty much दोपहर हो चुकी है संडे की, and I love this time period। तुम भाई बस एक बार देखो सड़कें कितनी खाली हैं, कोई मेरे पीछे सांडे का होंक नहीं मार रहा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आज के दिन इवन LGBT वाले छुट्टी पर होते हैं। It's just peace and quiet। यहाँ लोग वीकडेज पर ऑफिस में और लोकल में इतनी गांड मरवाते हैं कि वो फिर वीकेंड्स पर बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलते, एंड दैट्स फेयर एनफ। वो सीधा उठेंगे दोपहर के IPL मैच से 1 घंटा पहले। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है इंडिया का वर्स्ट रेटेड KFC। नाउ इफ यू आर आस्किंग क्यों है ये, हाउ इज दिस द वर्स्ट KFC? भाई ये दुनिया का पहला ऐसा KFC है जिसने अपने कस्टमर को चिकन के अंदर लाइव मैगट सर्व करके दिया। उसने तो मांगा भी नहीं था एक्स्ट्रा प्रोटीन। KFC मुंबई गिव्स चिकन फुल ऑफ लाइव मैगट्स टू अ कस्टमर, वॉच डिस्गस्टिंग पिक्चर्स हियर। नो थैंक्स। भाई बोल तो ऐसे रहे जैसे कोई सीक्रेट मेन्यू आइटम दिखा रहा है। चिकन नगेट्स तो तुमने खाए होंगे, चिकन मैगट्स देखो भाई। एक तो है ना, मुझे KFC वैसे ही बिल्कुल नहीं पसंद। इट ऑलवेज मेक्स मी फील लाइक शिट। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मेरा ऑर्डर लिटरली 30 सेकंड के अंदर करके दे दिया। आई डोंट नो अबाउट यू, दैट्स अ रेड फ्लैग भाई, मैं नहीं मानता। व्हेन फास्ट फूड एक्चुअली कम्स फास्ट। आई थिंक इन्होंने पहले का रीहीट करा है भाई। तो आई गॉट दिस, आई थिंक इसमें सभी है एक्चुअली। हॉट एंड क्रिस्पी है, ये बिल्कुल नहीं पसंद है भाई मेरे को। स्वेयर टू गॉड KFC वाले पता नहीं किस भूटान के तेल में फ्राई करते हैं, तो खाने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो हो रहा है पेट में। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट कुछ हो रहा है, और वो जब मैं वॉशरूम जाऊँगा तब पता चलेगा। Does this have okay, this has no maggots. Fuck! मुझे कीड़े खाने थे भाई। भाई ये भी रूखा ही हो रहा है बिल्कुल। बस भाई इन्हीं दोनों याद आती है, काश मुंबई में Nando's होता। I mean I won't say it's trash. I think आज जो हमने दोनों खाए उनसे तो बढ़िया ही है, क्योंकि इसके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इफ एनीथिंग इंसल्ट है पिछले दोनों के लिए। फर्स्ट वाले की पैटी अच्छी थी, बट ओवरऑल एवरेज करके देखा जाए इट वाज अ 5/10। नेक्स्ट वाला तो भैंचोद में -5 भी दूंगा, वो ज्यादा है, बट मैं 10 में से 2 दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को बोला गया था कि वहाँ के वेटर्स बहुत रूड है, एंड दे वॉन्ट रूड, दे वर नाइस। भाई आई हेट फ्राइड चिकन यार, बट कुछ है ही नहीं और खाने को। बस KFC की एक ही चीज़ अच्छी है, एटलीस्ट मुझे ब्लैक पेप्सी मिल गई। ऑलराइट KFC डन। भाई अब मैं 3 मील्स खा चुका हूँ, मेरे पेट में अब जगह नहीं है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो अब मैं घर जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ा काम करूँगा, जिम करूँगा, ताकि मेरा एपेटाइट वापस आ सके, मेरे पेट में और जगह बन सके, ताकि मैं शाम में और खाना डिमोलिश कर सकूँ। ओके हेडिंग टू जिम। मेरा पेट बहुत भर रहा है, सो आई नीड टू बर्न सम ऑफ इट, ताकि मैं और खाना ठूस सकूँ। प्लीज़ आई होप जिम अभी इस टाइम खाली हो, मेरे को क्राउडेड जिम में आई कांट फील फ्री। सो मैं Zomato का इंटरसिटी ट्राई करने वाला था, क्या नाम है उसका, आई थिंक Zomato Legends करके। मुझे दिल्ली का असलम चिकन खाना था, जो अपेरेंटली वो दिल्ली से भेजेंगे सीधा फ्लाइट से, जो कि मोस्ट लाइकली कोई घाटकोपर की फैक्ट्री से आने वाला है। बट Zomato Legends हैज शट डाउन, लेकिन मुझे रिसर्च करके मिला है एक एब्सोल्यूट हुनर, इसके रिव्यू सिर्फ कंप्लेंट से भरे पड़े हैं। सो मैं मोस्ट लाइकली वहां पर जाने वाला हूँ, बस अपने GoPro का चार्ज होने का वेट कर रहा हूँ। तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, ये है GoPro 10। So recently अभी GoPro 12 लॉन्च हुआ था, so that means पुराने GoPro सस्ते हो गए थे, which is why मैंने जल्द से जल्द ये ले लिया। And yes, the staple। इसे मैं प्यार से ड्रेक बुलाता हूँ। Wait नहीं। Now it's accurate. I think GoPro चार्ज हो गया है। I should leave। भाई मैं अब ना, मुझे नहीं करनी भाई अब ये वीडियो। I wish तुम लोग मेरा पेट फील कर पाते। It's just बहुत बहुत कुछ हो रहा है, a lot is happening and I can't exactly tell what। मुझे बस इतना पता है कि something is brewing up, like कुछ फटने वाला है भाई। But of course I saved the worst for last। You know अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी रेस्टोरेंट दिखाया ना, उनके नेगेटिव रिव्यूज हैं, बट उनके प्रॉब्लम तुम्हें पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल जाएंगे। ये स्पेसिफिक जो रेस्टोरेंट है, इसके भाई मोस्टली सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज ही है, और कुछ ऐसे वैसे रिव्यूज नहीं है। हर चीज पर क्लीनलीनेस, हाइजीन, सीटिंग, फूड, खाना बर्न, अनकुक्ड चिकन, चावल के अंदर पत्थर डाल दिए, मधुमक्खी डाल दी, ऑर्डर्ड चिकन मलेशियन नूडल्स, देयर वर स्टोन्स इन माय नूडल्स। भाई इस बंदे ने सब डाल रखा है, फोटो वगैरह सब। पैथेटिक फूड, बर्न, डोंट गो हियर, स्ट्रिक्टली डोंट ऑर्डर फ्रॉम हियर, देयर वाज अ बी इन फूड, पैथेटिक एंड डिस्गस्टिंग। इसने भी फोटो डाल रखी है। द वर्स्ट एंड स्टेल फूड आई हैव एवर हैड, नोबडी इज इवन बॉदर टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सेम। आई एम गोइंग टू कंप्लेन द सेम ऑन FSSAI। भाई इमेजिन तुमने इतना बेकार खाना बनाया है कि लोग सीधा अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इफ आई इवन वांट टू ट्राई दिस, एंड मैं इस रेस्टोरेंट को ट्राई करने के लिए खारगढ़ जा रहा हूँ। नवी मुंबई के बिल्कुल डीप इनसाइड है, पेनिट्रेट करके। अगर कुछ हो गया ना भाई, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, और जो एक वीडियो के लिए कंसिस्टेंसी आई थी ना, वो वापस चल जाएगी। लेट्स गो टू खारगढ़। खाना ऑर्डर करें, हवाई मधुमक्खी नूडल्स। इनका रेस्टोरेंट इतना अजीब है, लिटरली सिर्फ एक किचन खोल रखा है, वो भी ओपन खुले में। लास्ट मील पॉसिबली ऑफ माय लाइफ, लेट्स सी। अगर इसमें कोई भी कीड़ा निकला ना, मैं सीधा नवी मुंबई उड़ा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रेस्टोरेंट इज द वियर्डेस्ट रेस्टोरेंट आई हैव एवर सीन। इट इज नॉट अ रेस्टोरेंट, ये सिर्फ एक किचन है खुला, ओपन में सब कुछ बन रहा है। वहीं नीचे फर्श के आसपास सब्जियां रखी हुई हैं, लोटे में सॉस डाल रखे हैं। इट इज अ किचन, बट सम रीजन इन्होंने अलाउ कर रखा है इन किचन पे खाना खाने के लिए। देयर इज नो सीट, कहाँ खाना खाए? वो गया। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस विदाउट सॉस। भाई ये एक तो इतनी सारी प्याज की टॉपिंग क्यों डाल रखी है? बस ऐसे ही दिनों पर मेरे को खुशी होती है कि बढ़िया मैं सिंगल हूँ। बस जो इसको धोने के लिए 5 लिस्ट्रीन वॉश लगेंगे। एंड आई एक्चुअली लाइक स्ट्रीट फूड। पाव भाजी इज द बेस्ट, पाव भाजी नॉट वड़ा पाव। भाई तुम्हें पता ही है मेरे वड़ा पाव पे क्या विचार है। मैं अभी कुछ बोल दूंगा, कमेंट सेक्शन में हाथापाई हो जाएगी, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घर से निकाल देगा। तो भाई मुझे बोलना ही नहीं है कि वड़ा पाव गू है। भाई द वर्स्ट थिंग इज इसमें प्याज के अलावा बेरली कोई वेजिटेबल है। इट्स लाइक प्याज, मोर प्याज। उसके साथ नूडल्स। ठेले वाले से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है क्या, एक ही सब्जी बेचता है वो? भाई सॉस भी ट्राई कर लेते हैं। भाई क्या मोमोज का सॉस सारा ही डालता हूँ भाई। ठीक है भाई, अब जो है। भाई तुम कलर देखो और आवाज सुनो। भाई ये श्रेया पीरियड पे। भाई प्लीज 300 के करवा दो ताकि मुझे ऐसी वीडियोस ना बनानी पड़े और मैं वापस ट्रैवलिंग पे चल जाऊँ। एनीवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।